मौदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े जुआ रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 14 अक्टूबर 2024 की रात गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर झड़प शिवार में छापा मारा गया, जहां 52 पत्तों पर जुआ खेलते 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 28,79,600 रुपए का सामान बरामद किया है, जिसमें नकद, मोबाइल फोन और कई वाहन शामिल है। मौदा पुलिस अधिकारी ने सूचना मिलने पर झड़प शिवार में छापा मारा और 30 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मौके से नकदी, मोबाइल फोन और कई वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने घटनास्थल से 1,11,600 रुपए नकद और 27 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा वहां से 15 से अधिक वाहन भी बरामद किए गए हैं, जिनमें मारुति स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी और मोटा साइकिल शामिल है। कुल बरामद संपत्ति की कीमत 28,79,600 रुपए आंकी गई है। आरोपियों में नागपुर के विभिन्न निवासी शामिल है, जिनमें ईशान गोरेलाल बावरिया, अब्दुल फाजिल अंसारी, साहिल रामराव लहानी, कैलाश महादेश थोटे और साथ ही अन्य के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ महाराष्ट्र जुआ एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक हर्ष पुद्दार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमेश धुमाल और उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष गायकवाड़ के मार्गदर्शन में किया गया। मौदा थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद खोंगे और उनकी टीम ने इस बड़े जुआ रैकेट को सफलतापूर्वक खत्म किया है। इस कार्रवाई से मौदा क्षेत्र में अवैध जुआ गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और पुलिस की यह मुस्तैदी अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। एनबीसी न्यूज के लिए मौदा से अचल तिजारी की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.